आसमान पर है। तो लोग बहुत क्रिएटिव भी हो गए हैं, वाराणसी में फिल्मी डायलॉग को कैसे प्याज में पिरोकर पोस्टर के जरिए लोगों ने दीवारों पर चस्पा किया है और अपना विरोध जाहिर किया है। ये रिपोर्ट देखिए आप। फिल्मी डायलॉग के साथ फिल्मों के पोस्टर तो आपने खूब देखे होंगे, इसके अलावा राजनीतिक पोस्टर वॉर भी देखा होगा। लेकिन वाराणसी की गलियों में प्याज को लेकर शुरू हुआ पोस्टर वॉर आपने अब तक नहीं देखा होगा। पोस्टर ऐसा जो कि वाराणसी में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल ये पोस्टर राजनीतिक नहीं बल्कि इन दिनों आसमान छू रहे प्याज के दामों पर है, जो फिल्म और फिल्मी डायलॉग पर बनाया गया है। इन पोस्टरों में फिल्म शोले से लेकर दीवार तक और डॉन से लेकर करण अर्जुन तक के मशहूर डायलॉग लिखे हैं। अंतर बस इतना है कि ये डायलॉग थोड़े चेंज कर दिए गए हैं। जैसे ये प्याज मुझे दे दे ठाकुर, तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है और अपने सारे प्याज मुझे दे दो, मेरे करण अर्जुन आएंगे 2 किलो और प्याज लाएंगे, ऐसे फिल्मी डायलॉग इस क्षेत्र में हर दीवार पर सच चुके हैं। घर से निकले तो देखे कई सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है मेरे करण अर्जुन आएंगे और 2 किलो प्याज लाएंगे, और एक लगा हुआ है कि शोले मूवी का जो कि ठाकुर ये प्याज मुझे दे दे, प्याज की ऐसी दूध हो गई है कि कोई खरीद नहीं सकता है, सबके बस की बात है नहीं। तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है और सारा प्याज अपने हवाले कर दो, पुलिस के हवाले कर दो, ऐसा महसूस हो रहा है हमें। पोस्टर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं और जो देश का माहौल चल रहा है जिस तरह से वो समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाए इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन इन पोस्टर्स के लगने के बाद से इसकी चर्चा जोरों पर है। आम आदमी का भी कहना है कि जिस तरह प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं उससे ऐसे ही फिल्मी डायलॉग बनाए जाने लाजमी है। वाराणसी में प्याज के दाम आज भी 120 रुपए किलो है, जिसके कारण लोगों के घर का बजट पूरी तरह से बेपटरी हो चुका है और प्याज के दामों में अभी कोई कमी दूर दूर तक होती दिख नहीं रही है। रोहित सिंह, वाराणसी, भारत समाचार। इधर लखनऊ में